त्योहारी सीजन में चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका देने की तैयारी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट देश में चीनी वस्तुओं के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान चला रहा है। इसके तहत उसने सभी त्योहारों में भारतीय सामान के उपयोग के साथ ही मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस वर्ष की दिवाली देश भर में हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें चीन का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं होगा। इसी कड़ी में आने वाली 22 अगस्त को भगवान श्री गणेश जी के जन्मदिवस गणेश चतुर्थी को इस बार नए तरीके से मनाने के लिए कैट ने आज मिट्टी, गोबर तथा खाद से बने पर्यावरण मित्र गणेश जी की कुछ प्रतिमाएं आज जारी की, जिन्हें देश भर के व्यापारी तथा अन्य लोग इस गणेश चतुर्थी को अपने घर में स्थापित कर उनकी पूजा करेंगे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि अब से लेकर दिवाली तक देश में त्योहारों का सीजन है और चीन से इंपोर्ट हुआ लगभग 35 से 40,000 करोड़ रुपए तक का सामान इस सीजन में बिकता है। इसमें खास तौर पर मूर्तियां, अगरबत्ती, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के बल्बों की झालर, बल्ब, सजावटी सामान, पीतल एवं अन्य धातुओं के दिए, फर्निशिंग फैब्रिक, किचन इक्विपमेंट, पटाखे आदि शामिल हैं। इस वर्ष देश भर के व्यापारियों ने यह तय किया है कि वो इस त्योहारी सीजन में चीन का सामान ना बेचेंगे, बल्कि अपने देश में ही बना हुआ सामान बेचकर चीन को राखी के बाद अब त्योहारी सीजन का 40,000 करोड़ रुपए का झटका देंगे। इकॉनमी के लिए 100 साल का सबसे बड़ा संकट है कोविड-19। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि कोविड-19 और उसके साथ लगाए लॉकडाउन ने समाज और अर्थव्यवस्था के सामने संकट खड़ा किया है और इसी वजह से 2020-2021 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का आकार कम होगा। शेयरधारकों को लिखे पत्र में बिरला ने कहा कि भारत में कोविड-19 ऐसे समय आया है जबकि वैश्विक अनिश्चितता तथा घरेलू वित्तीय प्रणाली पर दबाव की वजह से आर्थिक परिस्थितियां पहले से सुस्त थीं। उन्होंने ये भी कहा कि एक अनुमान के अनुसार देश का 80% सकल घरेलू उत्पाद उन जिलों से आता है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान रेड और ऑरेंज क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन क्षेत्रों से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित रहीं। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में गिरावट आएगी और ऐसा 4 दशकों में पहली बार होगा और इस समय अनिश्चितता की जो धुंध है उसमें कोई अनुमान लगाना कठिन है। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।